प्रदेश के मैनपुरी में एक व्यापारी ने अपने अपहरण का नाटक रचा था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को काबू कर लिया है। यहां हम आपको बता दें कि सुलेमान अपने ही गांव देवली में एक कमेटी का अध्यक्ष भी था, जो प्रतिदिन हजारों रुपया कमेटी में शामिल लोगों से जमा किया करता था, जिस पर 12 से 13 लाख रुपए जमा हो गए थे, जिन्हें लोग मांग भी रहे थे, जिसके चलते व्यापारी ने अपने बलैरो चालक इमरान खान और भाई सद्दाम के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। बता दें कि बीते 21 सितंबर को मैनपुरी के कुचेरा के मध्य नहर पुल के समीप ग्राम देवली निवासी सुलेमान का अपहरण उस समय हो गया जब वह अपनी बलैरो से घर वापस जा रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना के संबंध में अपहरण हुए व्यापारी सहित अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी गिरफ्त से नकदी सहित लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपी सुलेमान इटावा की रहने वाली अपनी माशूका से 8 साल से बेहद मोहब्बत करता था, जिसकी शादी आगरा के एक बैंड संचालक के साथ हो गई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी सुलेमान का प्रेम माशूका के लिए बरकरार था। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने बताया कि 16 सितंबर की रात्रि व्यापारी सुलेमान की प्रेमिका अपने पति से मायके की कहकर आगरा से इटावा चली गई थी, जो सही समय पर इटावा नहीं पहुंची तो 2 दिन बाद काफी छानबीन करने के पश्चात इटावा में पिता ने और आगरा में पति ने व्यापारी सुलेमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी और यहां तक 51,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। दोनों प्रेमी प्रेमिका को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी सर से नेपाल जाते समय गिरफ्तार कर लिया। सर, एक दंडाहार में एक अपहरण हुआ था सर, उसका खुलासा किया पुलिस ने, सर पूरा मामला क्या है? एक मामला आया था जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यापारी है, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापारी सुलेमान, जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये पूरा मामला झूठा पाया गया है और सच्चाई ये सामने आई है कि सुलेमान नामक व्यक्ति उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और इस झूठी कहानी में, इस साजिश में उसका ड्राइवर इमरान उर्फ इमामी मुख्य भूमिका में शामिल था। इसका भाई सद्दाम जो वादी बना था मुकदमे का, वो भी इस साजिश में शामिल था। इसके अलावा इसका एक साथी है जाहिद, जो दिहुली बरनाहल थाने का निवासी है लेकिन भिवाड़ी में रहता था, वो भी शरण देने में और इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल था। इस प्रकार से इस पूरे मामले में हमने इस झूठे व्यापारी सुलेमान समेत कुल 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया है और आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें कहानी ऐसी थी कि ड्राइवर ने बताया था कि 4 बदमाश आए थे स्कॉर्पियो में, सफेद स्कॉर्पियो में, और उसको सुलेमान को का अपहरण करके ले गए थे और साथ ही साथ ड्राइवर इमरान का मोबाइल फोन भी साथ लेते गए थे। इस तरह की झूठी कहानी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें खुलासा हुआ है, हमारी सर्विलांस टीम, हमारे सीओ सिटी अभय नारायण और उनकी सभी टीमों ने मिलकर के दिन रात काम किया और 24 घंटे के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया गया था, जिसके कारण से आईजी रेंज आगरा श्री सतीश गणेश सर ने पूरी टीम को 40,000 रुपए का नकद इनाम दिया और मेरे द्वारा 25,000 का नकद इनाम इसमें दिया गया है। इसमें इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है और अभी आपके समक्ष 4 लोग आ रहे हैं, जिसमें व्यापारी सुलेमान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। कहानी जो बची थी शामिल थी, जैसा मैंने बताया कि इसका भाई सद्दाम हुसैन, जिसे मुकदमा लिखवाया था, ये शामिल पाया गया है। 17 तारीख को सद्दाम हुसैन ने और इस झूठे व्यापारी सुलेमान ने अपने मोबाइल का सिम बदला है और ये दोनों कॉन्टेक्ट में रहे होंगे, इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा, सद्दाम हुसैन का उसी दिन से काफी ओवर एक्टिव रोल रहा, हाइपर एक्टिव रोल रहा, पुलिस पे काफी प्रेशर बनाने का ये काम किया कि ये फला संगठन का व्यक्ति है और इस तरह का उलझलूल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स वगैरह और पोस्ट डालने लगा था ताकि पुलिस प्रेशर में रहे और पुलिस को डाइवर्ट करने का भी इन्होंने भरसक प्रयास किया। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सशंकित थी कि इनका रोल है और बाद में सर्विलांस की एनालिसिस और मुखबिरों के द्वारा और जो पकड़े गए अक्यूज्ड हैं उनके द्वारा ये बात पूरी तरह तस्दीक हो गई कि सद्दाम हुसैन का पूरा हाथ है इसमें, जो वादी बना है मुकदमे का। इसके अलावा इनके घर वालों का किसी का भी भूमिका इसमें नहीं आया है, प्रेमिका की भी भूमिका इसमें नहीं आई। प्रेमिका को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, प्रेमिका वहां चली गई है
और बाकी और किसी का रोल नहीं आया, ये चार लोगों का रोल था जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.